झज्जर के डीसी श्यामलाल पुनिया ने झज्जर उपमंडल के गांव दादनपुर, चांदपुर और ढाकला के खेतों में पहुंचकर फसल की राजस्व विभाग द्वारा की गई गिरदावरी की जांच पड़ताल की। विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई गिरदावरी रिकॉर्ड का खेतों में खड़ी फसलों के साथ मौके पर मुआयना करते हुए मिलान किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, अभी जैसे गिरदावरी चल रही है और इस बार बारिश कुछ ज्यादा हुई है, उसको देखते हुए कई जगह गाँव में फसल लोग बोने से वंचित रह गए, कई जगह फसलें खराब भी हो गई। तो गिरदावरी ठीक भांति हो, लोगों को उनका हक मिले और जो फील्ड में है वही कागज पे हो, इसके लिए हम आज फील्ड में इसकी तस्दीक करने के लिए आए थे। और मैं अपील करना चाहूँगा सभी किसान भाइयों से कि अभी 31 तारीख तक इसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन करने की अवधि है, तो किसान भाई इसमें थोड़ा मदद करें और अपना रजिस्ट्रेशन अपनी फसल का, चाहे वो मंडी में बेचें ना बेचें, ये जरूर करवाएं ताकि आगे आने वाली जो भी स्कीम्स हैं उनका लाभ मिले और सरकार को नीति निर्धारण में आसानी। अब खबर ओकलाना की, जहां पर नगर पालिका के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 2 दिन के लिए 12-12 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। नगर पालिका सफाई कर्मचारियों का कहना है कि नगर पालिका सर्व कर्मचारी के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा के कर्मचारी 12 घंटे की भूख हड़ताल पर हैं और कल फिर कर्मचारी 12 घंटे की भूख हड़ताल पर रहेंगे। हमारा सरकार के साथ नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का 25 अप्रैल को और 17 अगस्त को समझौता हुआ था शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री के साथ। उसमें समझौते में हमारी मांगे थी कि कोरोना के अंदर जो कर्मचारी की मृत्यु हो जाएगी उसको 50,000 रुपये दी जाएँ, 50 लाख रुपये दी जाएंगे और 4,000 रुपये जोखिम भरा भत्ता दिया जाएगा और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और ठेका प्रथा समाप्त किया जाएगा। लेकिन सरकार ने हमारी टेबल के ऊपर बात मानकर और धरातल के अंदर वो लागू नहीं की। दूसरी ओर अंबाला में भी कर्मचारी धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदेश उप प्रधान सेवा राम ने हरियाणा सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों की न्याय उचित मांगों को अनदेखा अनसुना कर रही है। वहीं 25 अप्रैल और 17 अगस्त 2020 को समझौतों में मानी गई मांगों को भी पूरा नहीं कर रही है। सरकार के इस नकारात्मक रवैये से रुष्ट कर्मचारी राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। ये जो आज हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर, जैसे हम पीछे भी अपना लगातार स्टेप टू स्टेप अपना कार्यक्रम चलाते आए हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा भर के कर्मचारियों में भारी रोष है सरकार के खिलाफ। क्योंकि जो 25 अप्रैल और 17 अगस्त को सरकार की हमारे संघ के साथ वार्ता हुई उसके पत्र परिपत्र अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। कोरोना काल में लगभग हमारे पूरे हरियाणा में लगभग 30 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है, मगर अभी तक उनको जो हमारी संघ की मांग डिमांड थी कि 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, इसी के साथ साथ परिवार में आश्रितों को एक सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उनके घर का गुजर बसर चल सके, परंतु आज तक मतलब कि अगर हम नगर परिषद गन्नौर नगर के नगर पालिका रोड स्थित एंजल कंप्यूटर दुकान में चोर दिन दहाड़े घुसकर गन्ने का ताला तोड़ उसमें रखा रुपयों से भरा बैग चोरी कर फरार हो गए। दुकान संचालक उस समय दुकान के गेट का ताला लगाकर घर खाना खाने गया था। जब वो दुकान पर आया तो उसे चोरी की घटना का पता चला। चोर की तस्वीर दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार ने चोरी की शिकायत पुलिस को दी। एंजल कंप्यूटर की दुकान है यहाँ, जिसमें कमल चंदा ने शिकायत दी थी। दो लड़के आए और मेरी दुकान से कुछ पैसे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड वाला बैग उठा के चले गए, जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस तरह सर कितने पैसे थे उसमें? उसमें करीब 90,000 रुपये और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बैग में थे। सोनीपत के गांव कुराड़ के पास दर्दनाक सड़क हादसे में एक लेक्चरर की मौत हो गई। सोनीपत के सेक्टर 12 निवासी आनंद प्रकाश बुलेट बाइक से गांव देवडू और कुराड़ गांव के पास से गुजर रहा था, तो तभी एक नील गाय बाइक के सामने आ गई और बाइक नील गाय से टकरा गई। इसके बाद आनंद प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवा दिया। 148 पर किसी अननोन पर्सन की कॉल आई, तो ऐसे ऐसे वाणा रोड बाईपास पे देवड़ू मोड़ के पास कोई बाइक वाला पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया है, नील गाय से टकरा गया। तो हम 5 मिनट में मौके पर पहुंच लिए, वहां जाकर देखा तो नील गाय भी डेड पड़ी थी और ये बंदा भी इंजर्ड पड़ा था नीचे बड्डों में और इसकी बाइक पड़ी थी। हम फटाफट अपनी गाड़ी में बैठा कर इसको सिविल हॉस्पिटल ले आए, वहाँ एडमिट करा दिया। आप देख रहे हैं सत्य खबर
सत्य सटीक बेबाक।